नमस्कार, द लाइव इंडियन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारी सारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लॉकडाउन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर जनसेवा मानव सेवा समिति द्वारा जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। वह लोग गरीब बस्तियों में जा जाकर लोगों को खाना वितरण कर रहे हैं। कहीं खाना के पैकेट तो कहीं बच्चों को बिस्कुट वितरित किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह जनसेवा मानव सेवा समिति लगातार लोगों को खाना पहुंचा रही है, जिससे कि कोई भी भूखा ना रहे। इस को लेकर अभी हाल ही में फिर से लॉकडाउन बढ़ाया गया है, जिसको लेकर जनसेवा मानव सेवा समिति द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक गरीबों को खाना वितरण किया जाएगा। बैठक में समिति के जॉली शुक्ला, रिंकू बुंदेला, संतोष रावत, संजय रावत, छोटू साहू, अंजू तलरेजा, आकाश तिवारी, मनीष, मनोज गुप्ता, राहुल पांडे, संदीप श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सदस्यों ने निर्णय लिया है कि रोज की भांति जब तक लॉकडाउन रहेगा लगातार लोगों को खाना वितरण किया जाएगा। समिति का यह निर्णय सराहनीय है। दतिया क्षेत्र की यह समिति लगातार लोगों की मदद कर रही है। दतिया से ब्यूरो चीफ राजीव मिश्रा की रिपोर्ट। All right.